कॉलेज के दिन ना बड़े मज़ेदार होते हैं। ऑफ कोर्स मस्ती के दिन तो होते हैं, लेकिन साथ ही पढ़ाई के दिन भी होते हैं। लेकिन पटियाला बेब्स की हमारी मिनी के लिए कॉलेज के ये दिन बन गए हैं टेंशन के दिन, क्योंकि उनकी कॉलेज के डेज में टेंशन घोली है उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड ने। मैंने कभी सोचा नहीं था तू इतनी बदल जाएगी। तू कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी यार। सही कहती है मेरी मम्मी जी, मिन्नी को ना लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाना खूब अच्छे से आता है। कॉलेज में आते ही मिनी पर लगा एक बड़ा इल्जाम, और ये इल्जाम उस पर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही बेस्ट फ्रेंड प्रीत ने लगाई है। अब प्रीत और मिनी कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन आज प्रीत ने कुछ वो कर दिया जिसके चलते मिनी से उसकी दोस्ती भी टूट गई और दोनों के दिल भी बहुत दुखे। तू कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी यार, आज तू ही मेरी छुट्टियां कर रही है, खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोली बेब्स को। अब बात छोटी मोटी होती तो मिनी वैसे ही केयर नहीं करती, लेकिन यहाँ पर बात बेब्स की है। प्रीत ने बेब्स को फोन करके मिनी के बारे में अनाप शनाप बोला है, जिसके चलते अब बेब्स दिन रात यही सोचती रहेगी कि कॉलेज में मिनी पढ़ने जाती है या सिर्फ मारा मारी करने। मेजोरिटी लोगों की मेंटालिटी है काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन कि यू नो लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, बट आई गेस दैट्स नॉट ट्रू यार। दो सहेलियों के बीच लड़ाई हुई, इल्जाम भी दोनों ने एक दूसरे पर खूब लगाए। अब इन दोनों के बीच कोई फंसा है तो वो है इनका दोस्त, जो यहाँ पर मिनी को समझाने आया है, लेकिन मिनी अब किसी से बात नहीं करना चाहती है। दो लड़कियां फ्रेंड्स के बीच में हमेशा एक लड़का फंसता है, इट इज अ ओल्ड रूल। अब मिनी ये बात नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना गुस्सा आप इस पंजा लड़ाने वाले खेल से थोड़ा शांत कर सकती हैं, क्योंकि ये पंजा भी उसी से लड़ाएंगी आप जिससे आपकी लड़ाई हुई है। तो इतना तो हम दावे से कह सकते हैं कि इस छोटे से खेल से आपका दिमाग जरूर फ्रेश होगा। हार गई हूँ अपनी दोस्त के लिए। शी इज ब्लैक बेल्ट, मैं नहीं चाहती कि उसकी बेइज्जती हो जाए, मेरे से हार गई यू नो। इतने प्यारे प्यारे शब्द, मतलब प्रीत इज अ टोटल घरेलू लड़की, सो यू नो मैं नहीं चाहती कि मेरी ब्लैक बेल्ट लड़की मेरी बेब। ये प्यार के शब्द सुन के स्वागत है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।